हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न प्रदितिमन। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इस चैप्टर में, वो सभी आज हम कर लेंगे, ठीक है? तो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ ही लिया था, अब चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत अपनाया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत अपनाया गया है? तो जिसे हम ग्रामीण स्वशासन के नाम से भी जानते हैं, तो इसे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अपनाया गया है। अगला देखें, पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची के त्रिस्तरीय ढांचे में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची के त्रिस्तरीय ढांचे में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए, 29 विषयों को यहाँ शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राम पंचायत के मुख्य अधिकारी होते हैं। ग्राम पंचायत के मुख्य अधिकारी होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर सरपंच होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है, यानी VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है? तो ग्राम पंचायत के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, सरपंच होता है और VDO होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत समिति के मुख्य अधिकारी कौन से होते हैं? जहां हमने देखा ग्राम पंचायत में सरपंच है, ग्राम विकास अधिकारी है, ठीक है? एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो फटाफट से आपको आंसर देना है। सरपंच जो है अधिकारी किसके अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत के अंतर्गत। उसी तरीके से पंचायत समिति के जो मुख्य अधिकारी हैं वो कौन है? एक है प्रधान और दूसरे हैं खंड विकास अधिकारी, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला परिषद के मुख्य अधिकारी कौन से हैं? जिला परिषद के मुख्य अधिकारी कौन से हैं? तो यहां पर आंसर रहेगा सही, जिला प्रमुख होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें होते हैं, ठीक है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं रोजगार उपलब्ध करना किसका कार्य होता है? तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का ये काम होता है कि मनरेगा कार्यक्रम को क्रियान्वित करना और रोजगार उपलब्ध कराना। सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों व जिला परिषद यहाँ दो बार लिख दिया गया है, दोबारा से देखिए, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना किसका कार्य है? यानी इनको जोड़ने का काम कौन करता है? तो इनको जोड़ने का काम पंचायत समिति करती है। क्वेश्चन 8 देखिए, पंचायती राज में जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण का कार्य किसका है? तो देखिए, पंचायती राज का तो जो त्रिस्तरीय ढांचा है, तो जिसमें हमें पता है ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है, तो इन तीनों में से किसका काम है जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण का कार्य? तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का काम होता है। देखिए, ग्राम पंचायत के दो महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो आप याद रखें, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण करना और दूसरा जो मनरेगा कार्यक्रम है उसको क्रियान्वित करना, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। इसके अलावा भी कई कार्य हैं, जैसे कि गाँव में स्वच्छता, पेयजल, इसकी व्यवस्था करना, ग्रामीण सड़कों का जो है वो रख रखाव करना, बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन दो इम्पोर्टेंट कार्य ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, ग्राम पंचायत किससे मिलकर गठित होती है? किससे बनती है ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत बनती है वार्ड पंचों से, उप सरपंच और सरपंच, ठीक है? तो ये मिलकर जो है ग्राम पंचायत गठित करते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन संपन्न करवाता है? ग्राम पंचायत का चुनाव कौन संपन्न करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव संपन्न करवाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन 11 है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत का कार्यकाल कितना होता है?
तो यहाँ पर 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल, और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा समय से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक 1 माह में कितनी बार होती है? ग्राम पंचायत की बैठक 1 माह में कितनी बार होती है? तो 1 माह में कम से कम 2 बैठक का होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत में सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना, बैठक की कार्यवाही को लिखना किसका कार्य है? ग्राम पंचायत में जो सरकारी कागजात हैं, उनका रिकॉर्ड रखना और बैठक की कार्यवाही को लिखना किसका काम है? तो देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ही भेजा जाता है सचिव, तो इस सचिव का ही काम होता है इन सभी कागजातों को रिकॉर्ड रखना और बैठक की कार्यवाही को लिखना। किसका कार्य होता है? सचिव का। ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी होती है? तो यहाँ पर बिल्कुल निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत है और त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे ऊपर है जिला परिषद, तो बीच में जो जोड़ने का काम करती है वह है पंचायत समिति। क्वेश्चन 15 देखिए, पंचायत समिति के पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो हमने बात कर ली थी कि पंचायत समिति के जो पदेन सदस्य हैं वह एक प्रधान है और एक बीडीओ है, खंड विकास अधिकारी। पंचायत समिति सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? पंचायत समिति सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, तो यहाँ पर उम्र जो है वह न्यूनतम 25 वर्ष ही निर्धारित की गई है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी है? तो सबसे उच्च स्तर पर जो संस्था है पंचायती राज व्यवस्था में, तो यहाँ पर है जिला परिषद। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 19, जिला परिषद के सदस्य कौन से होते हैं? जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो इसमें पंचायत समितियों के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य और प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं और जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य भी शामिल होते हैं जिला परिषद के सदस्य में। ठीक है, तो ये याद रखें। जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं? जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं? जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है? जिला प्रमुख की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है? तो यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बिल्कुल फैक्चुअल है, और आप लोगों ने चैप्टर जब पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी। ठीक है, तो यदि किसी बच्चे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके आप लोग जो है वो चैप्टर को दोबारा से पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 22, पंचायती राज की आधारभूत संस्था कौन सी है? देखिए, पंचायती राज आप बोलें या ग्रामीण स्वशासन बोलें, एक ही बात है। पंचायती राज की आधारभूत संस्था कौन सी है? तो वह है ग्राम सभा। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उस गांव के निवासी मतदाता, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक कितनी बार बुलाई जानी आवश्यक है?
ग्राम सभा की बैठक कितनी बार बुलाई जानी आवश्यक है? तो हर 3 महीने में एक बैठक जो है वो बुलाई जानी आवश्यक है। और वहीं पर यदि हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत की 15 दिन में एक बार बुलाई जाती है, पंचायत समिति की महीने में एक बार बुलानी पड़ती है, और जिला परिषद की 3 माह में एक बार बुलाई जानी आवश्यक है। ठीक है, तो ये चारों ही ध्यान में रखें। अगला देखिए, राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? तो वह खोला गया जयपुर जिले के बस्सी में। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना क्यों की गई? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना क्यों की गई? तो इनकी स्थापना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए की गई। तो आज हम यहीं तक करेंगे। 26 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से निकले हैं ग्रामीण प्रशासन से संबंधित। नेक्स्ट जो है वो हम शहरी प्रशासन के सभी क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इनको बार बार रिवाइज करिए। थैंक यू।